तो इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से कांग्रेस को मिला कंप्यूटर बाबा का साथ। तो उपचुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस को फायदा, यहां पर कंप्यूटर बाबा प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। तो कांग्रेस के पक्ष में यहां पर कंप्यूटर बाबा जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के लिए मतदान करने की यहां पर अपील भी करेंगे। तो उपचुनाव का रण सज चुका है, तमाम पार्टियां मैदान में हैं और इस उपचुनाव में कोई भी कोर कसर ना रह जाए, इसको लेकर दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में। और ऐसे में कंप्यूटर बाबा को एक बार फिर से कांग्रेस का साथ मिल चुका है और कांग्रेस कंप्यूटर बाबा के जरिए लगातार जनता के बीच जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कंप्यूटर बाबा मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के लिए यहाँ पर माहौल बनाया जाएगा। आज से प्रचार प्रसार करेंगे कंप्यूटर बाबा। आपको बता दें कि कांग्रेस को यहाँ पर कंप्यूटर बाबा का साथ मिल चुका है, एक बार फिर से कंप्यूटर बाबा का साथ मिला है और लगातार उपचुनाव को लेकर यहाँ पर पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि दमोह में कांग्रेस ने अपना वर्चस्व लहराया और दमोह में जिस तरीके से कांग्रेस जीती है, तो इस बार कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चलिए तो इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, कांग्रेस जिस तरीके से दमोह में अपना वर्चस्व को लहराया और इस बार भी उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कंप्यूटर बाबा का साथ भी मिल चुका है कांग्रेस को। तो कंप्यूटर बाबा लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं और वो मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट रेगा, जोबा, तृतीपुर और खंडवा लोकसभा की एक सीट में जो है अपने साधु संतों के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही वो कांग्रेस की जीत के लिए एक बड़ा महायज्ञ भी करेंगे। तो अब साधु संत भी जो है इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। जी कुलभूषण, ऐसे में आज से प्रचार प्रसार करेंगे कंप्यूटर बाबा, कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? अभी जो है कंप्यूटर बाबा का जो दौरा कार्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुसार जोबट, प्रतिपुर और रेगांव, खंडवा में जो है साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और उनकी जीत के लिए एक मनोकामना यज्ञ भी जो है रखा गया है जिसमें वो अपने साधु संतों के साथ ये महायज्ञ का आयोजन करेंगे। मतलब कांग्रेस भी कुलभूषण अब सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर साफ चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है नवरात्रि के पावन पर्व पर सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे भी खेलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे बीजेपी जहाँ एक तरफ कन्याओं की पूजन कर रही है, दूसरी तरफ साधु संत जो है कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जी कुलभूषण, क्या लगता है ऐसे में कितना फायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? आने वाले उपचुनाव करीब है और ऐसे में फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्योंकि इसके पहले भी जो है साधु संतों ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था, दिग्विजय सिंह के लिए भी प्रचार किया था लोकसभा में, लेकिन उतना फायदा जो है कांग्रेस को नहीं मिला है। अब इस उपचुनाव सीट में जब साधु संत मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। जी कुलभूषण, ऐसे में जिस तरीके से दमोह में कांग्रेस ने अपना जीत का परचम लहराया, तो क्या लगता है इस उपचुनाव में भी कांग्रेस दमोह का मॉडल अपना रही है? बिल्कुल, दमोह मॉडल की तर्ज पे ही जो है कांग्रेस काम कर रही है और यहाँ पे तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, उन्हीं मुद्दों के साथ जो है आम जनता के बीच कांग्रेस के नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।